एक सक्रिय गैंग है जिसका नाम है पारदी। इस गैंग के पास अचानक से 5,80,00,000 रुपए का कैश आ जाता है। वो गैंग इस कैश को जल्द से जल्द इधर उधर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये घोषणा करते हैं। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इस घोषणा के बाद पुराने 500 और 1000 के नोटों के बदले अब नए नोट छपने वाले हैं। ये बात जैसे ही पारदी गैंग को पता चलती है, उन्हें अचानक ऐसे तेज झटका लगता है कि मानो बरसों की मेहनत किसी ने पानी में बहा दी हो। उस घोषणा के बाद जिनकी तो वाइट मनी थी, वो नोट बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन जिनके धन का कोई हिसाब नहीं था वो इस दुविधा में फंस गए थे। अगर पारदी गैंग उन रुपयों को बदलती तो वो पकड़े जाते। इसी डर के कारण बचे रुपयों को नदी में वो ऐसे ही बहा देते हैं, और जब वो नोट लोगों को मिलते हैं तो वो सड़े और गले होते हैं। इन्हीं नोटों को देखकर लोग परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि काश ये नोट हम गरीबों को मिल जाते। न जाने उस समय कितने लोगों ने ऐसे नोटों को बहाया था, लेकिन अब इन सड़े गले नोटों की सच्चाई जब लोगों के सामने आती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस पारदी गैंग ने इतना बड़ा कांड कर दिया है, और वो भी इतने शातिर तरीके से, जिसे खोलने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का सहारा लेना पड़ा। आज की ये घटना अपने आप में बहुत ही दिलचस्प घटना होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। हम कहानी शुरू करें उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आइए देखते हैं इस पूरी कहानी को। आज की ये सच्ची कहानी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में एक रेलवे स्टेशन है, सेलम। तारीख थी 8 अगस्त 2016। शाम लगभग 7 से 8 बज रहे होंगे। पुलिस ने इस रेलवे स्टेशन को एक छावनी के रूप में बदल दिया था। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। ट्रेन नंबर 11064 सेलम से एक मोड़ चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी। इस एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ बॉक्सेस रखे जाने थे। इन बॉक्सेस को कोई और नहीं बल्कि कूली रख रहे थे। ठीक ट्रेन के इंजन के पीछे 2 बोगियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लिए रिजर्व करा लिया था। पहली बोगी में वो सभी बॉक्सेस रखे जा रहे थे और दूसरी बोगी में 18 पुलिस वाले आधुनिक हथियारों से लैस, जो कि पहली बोगी की सुरक्षा के लिए थे। वहाँ पे लोगों ने सहज ही अंदाज़ा लगा लिया था और ये देखने से जाहिर हो रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ कीमती सामान है, जैसे सोना, चांदी या रुपए। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय 9 बजे सेलम से एक मोड़ के लिए रवाना हो जाती है। चूँकि ये ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन थी, इसलिए इस ट्रेन को जगह जगह प्लेटफॉर्म पर रुकना होता है, और जहाँ ये ट्रेन रुकती वहीं दूसरी बोगी में बैठे पुलिस वाले पहली बोगी को हर बार की तरह चेक करते। ऐसे ही चेक करते करते जब ये ट्रेन 9 अगस्त सुबह 4 बजे के आसपास अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची, अब बारी थी पहली बोगी को चेक करने की। जब वहां मौजूद अधिकारी उसे चेक करने की कोशिश करते हैं और उस बोगी का दरवाज़ा खोला जाता है, उस समय लगभग सुबह के 4 बज रहे थे। जाहिर है कि आसपास अंधेरा था और ट्रेन के बाहर लाइट्स भी थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद उस बोगी में अंधेरा ही होना चाहिए था, क्योंकि उस बोगी को पूरी तरह सील किया गया था। लेकिन इस बोगी पर बाहर से रोशनी पड़ रही थी। इसी रोशनी को देखने के बाद उन अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर ये रोशनी आ कहाँ से रही है, जबकि सारी लाइट्स ऑफ हैं, सारे खिड़की दरवाजे पूरी तरह सील हैं। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो उनकी नज़र बोगी की छत पर जाती है, जिसमें उन्हें 2 स्क्वायर फीट का एक छेद दिखाई देता है और टॉर्च जलाकर नीचे फ्लोर पर देखा जाता है तो जगह जगह पर नोट्स की गड्डियाँ बिखरी हुई पड़ी थी। उनमें से 4 बॉक्स ऐसे थे जिसमें से सारे नोट ही गायब थे। जब इन 18 पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो इन 18 पुलिस वालों की सांसें ही दब जाती हैं, और साथ ही GRPF, पुलिस ऑफिसर्स, RBI से जुड़े अधिकारी या रेलवे ऑफिसर्स, तमाम लोगों में हड़कंप मच जाता है और इस सनसनीखेज घटना की रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है कि ट्रेन के अंदर रॉबरी हुई है। ट्रेन की सिक्योरिटी में लगे उन 18 पुलिस वालों को ये सुधि नहीं थी कि डकैती हुई है तो कहाँ हुई है और कैसे हुई है, ये सब उन्हें पता नहीं था।
अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकल पुलिस, GRPF सभी लग जाते हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ नाकामी ही लगती है। तमिलनाडु सरकार के लिए वाकई में ये बड़ा चैलेंज था कि आखिरकार इस स्टोरी को, इस घटना को किसने अंजाम दिया है। तब पता चलता है कि उस बोगी के अंदर 342 करोड़ रुपए थे, जो कि 226 बॉक्सेस के अंदर रखे हुए थे। 4 बॉक्सेस को खाली पाया गया और उनमें जो काउंटिंग की गई थी उसमें पता चला कि 5,80,00,000 रुपए की रकम रखी गई थी, जिसे चोर अपने साथ ले गए थे। अब ये चोर कौन थे, कहां से आए थे और कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, ये सवाल पुलिस, RBI, GRPF, रेलवे, गवर्नमेंट सभी जानना चाहते थे। इस रॉबरी ने सभी को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इतनी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी। कितने ही लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस की इस नाकामी के बाद इस केस को CID को सौंप दिया गया। अब CID अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उस दिन जितने भी लोगों ने उस ट्रेन में सफ़र किया था उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं और हर उस व्यक्ति की पूरी जानकारी जुटाई जाती है, लेकिन इससे भी कुछ हासिल नहीं होता। पुलिस के हाथ फिर से खाली हो जाते हैं और लगभग 2000 लोगों से अलग अलग पूछताछ की जाती है। साथ ही उन कुलियों को भी निशाना बनाया जाता है जिन्होंने उन 226 बॉक्सेस को उस बोगी में रखा था। यही नहीं, इसके अलावा जो भी ट्रेन की रूट की टाइमिंग को जानता था या लोडिंग पैटर्न के बारे में जानता था उनकी भी जांच कराई जाती है। GRPF से लेकर ऑफिसर्स, ट्रेन चालक, हर उस व्यक्ति की जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन कोई भी जानकारी या सबूत नहीं मिल रहा था कि आखिर चोरी की तो की किसने। CID की इस इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे लगभग 1 साल का वक्त गुजर जाता है, लेकिन अब तक न कोई व्यक्ति मिला था और ना ही कोई जानकारी। CID को लग रहा था जैसे ही हम चुटकी बजाएंगे तो इस चोरी का, इस घटना का खुलासा कर देंगे। धीरे धीरे और वक्त गुजरता है और अब तक लगभग 730 दिन गुजर चुके थे। इस बीच कई हजार लोगों से पूछताछ हो चुकी थी। कई हजार लोगों से पुलिस ने अपने अंदाज में भी पूछताछ की। लगभग 1,00,000 नंबर से लेकर CDR और हर वो चीज़ निकलवाई जाती है, लेकिन चोरों का कोई खुलासा नहीं होता है। सब करने के बाद अब आखिरकार भारत सरकार के माध्यम से CID NASA से कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट करने के बाद उन्हें वो सारी डिटेल्स बताई जाती हैं और बताया जाता है कि हमारी इस ट्रेन की छत को काटा गया है किसी टूल से। इसे लगभग 2 स्क्वायर फीट के एरिया को काटा गया है। क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं अपने सैटेलाइट के माध्यम से कि किस स्थान पर यह चोरी हुई है? NASA ने अपनी टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया और बताया कि ये जो चोरी हुई है वो विंध्याचलम, एक रेलवे स्टेशन है, उसके इर्द गिर्द इसे काटा गया है। इसके बाद पुलिस फिर से सक्रिय हो जाती है और एक बार फिर से कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेस में कितने लोगों के नंबर एक्टिव थे। अब उन हजारों नंबर्स में एक नंबर ऐसे निकल के आता है जो मध्य प्रदेश के गुना में रहने वाले मोहन सिंह पारदी का है। अब यह नंबर तमिलनाडु प्रदेश में क्या कर रहा है, यही एक जांच का विषय था। पुलिस ने जब इस व्यक्ति की तलाश शुरू की तो धीरे धीरे 8 लोगों के नाम सामने आते हैं और वही 8 लोग उसी इलाके के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और जब उनसे पूछा गया तब इस घटना का खुलासा होता है। इस घटना के खुलासे में CID को एग्जैक्ट 2 साल लग जाते हैं, और जब इनसे पूछा जाता है तब ये चौंका देने वाली बातें सामने बताते हैं जिसे सुनकर वाकई हैरानी होती है कि इस गैंग के लोग इतने शातिर कैसे हो सकते हैं। दरअसल लगातार 8 दिन तक इन्होंने इसी ट्रेन में सफ़र किया था जो सेलम से इग्मोर चेन्नई की तरफ जाती है, और इसी ट्रेन में लगातार सफ़र करने के बाद ये पता लग जाता है इनको कि फला तारीख को इस ट्रेन में भारतीय रिजर्व बैंक के चेन्नई इग्मोर की तरफ पैसे जा रहे हैं। जब ये लगातार रैकी करते हैं तो इनको पता चलता है कि एक विंध्याचलम रेलवे स्टेशन है जिसमें लगभग 140 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। ये गाड़ी यहाँ तक डीजल इंजन से चलती है और विंध्याचलम से चेन्नई इग्मोर तक ये गाड़ी चलती है बिजली से। तभी ये एक प्लान बनाते हैं कि क्यों न बैटरी कटर से बोगी की छत को काट कर वहाँ से पैसे निकाले जाएँ, और इसके लिए 2 लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ेंगे और 4 लोग को ऐसी जगह पर खड़ा करेंगे जहाँ से ये पैसे फेंक सकें। और इनके निर्धारित प्लान के तहत जब ये गाड़ी विंध्याचलम स्टेशन पर पहुंचती है तब तक वो डीजल इंजन से चलती है। जो पैसे वाली बोगी थी वो इंजन के ठीक पीछे थी। अब इस स्टेशन में आने के बाद जब इंजन चेंज होता है तब इलेक्ट्रिक इंजन दूसरी तरफ लग जाता है, मतलब अब ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में।
शुरू में ये पैसे वाली बोगी सामने होती है और बाद में सबसे लास्ट में पहुंच जाती है। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है और चोरों को चोरी करने में आसानी हो जाती है। पुलिस वाले गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वो मटर गश्ती कर रहे थे या सो रहे थे। वो बिल्कुल बेफिक्र थे। उन्हें ये लग रहा था कि कोई ऐसे चोरी कर ही नहीं सकता। इन पारदी गैंग के जब दो लोग गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं और अपने साथ में लाए बैटरी कटर से 2x2 square feet का एरिया काटकर उसमें अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद चार बॉक्सेस को ही तोड़ पाते हैं। तब तक लगभग 45 मिनट हो चुके थे और 45 मिनट में 5,80,00,000 रुपए अपने साथी के हाथ में देता है। कुछ दूरी पर उनके साथी पहले से ही मौजूद थे क्योंकि 8 दिन तक ये लगातार रैकी करते हैं और उन नोट से भरा बैग ऐसे ही अपने साथियों की तरफ फेंक देते हैं। और ये जब ट्रेन धीरे होती है तो वहाँ से उतरकर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। मध्य प्रदेश से तमिलनाडु के इस स्थान की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर होती है और इस पारदी गैंग ने 1800 किलोमीटर दूर एक ऐसी चोरी का प्लान बनाया था जिसे भारत के इतिहास में इससे बड़ी चोरी कभी ट्रेन के अंदर नहीं हुई थी। इस ट्रेन के अंदर 342 करोड़ रुपए थे लेकिन इनके पास समय कम था इसलिए 4 ही बॉक्सेस तोड़ पाए। ये चाहते तो और भी बॉक्स तोड़ सकते थे पर टाइम कम और पकड़े जाने के डर से नहीं कर पाए। लेकिन एन वक्त पर 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये घोषणा करते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने ट्रेन से जो रुपए चोरी किए थे वो 500 और 1000 के नोट ही थे। और ये नोट उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि कागज़ के टुकड़े साबित हो जाते हैं और इन पैसों को इन्हें फेंकना ही पड़ता है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार करके लगभग 2 साल के बाद 2018 में इसका खुलासा कर दिया था। आपने ऐसी कहानी मूवीज में ज़रूर देखी होगी लेकिन ऐसी ही एक घटना ब्रिटेन में 8 अगस्त 1963 में हुई थी। उस ट्रेन का नाम था रॉयल मेल। ट्रेन के इंजन के पीछे HVP कोच था यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कोच जिसमें करीब 300 मिलियन पाउंड्स थे यानी आज के हिसाब से ये करीब 300 करोड़ रुपए थे। 16 लुटेरों ने इसे अंजाम दिया था। प्लान के मुताबिक लुटेरों ने बाहर एक ट्रक को पहले से ही तैयार रखा था। लुटेरों ने मात्र 15 मिनट में इस बक्सों को ट्रक में लाद दिया और फिर उन्हें लेकर फरार हो गए। खैर ये चोरी तो ब्रिटेन की है लेकिन भारत के इतिहास में इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं हुई। दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको मेरा काम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।